नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम विकोरिल ड्रॉप के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। विकोरिल ड्रॉप का मुख्यतः उपयोग सर्दी और बुखार की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है। यह एक पेडियाट्रिक ड्रॉप है, इसे छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए विकोरिल ड्रॉप के बारे में अधिक विस्तार से जानते हैं। यह ड्रॉप कैसे काम करता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, इस ड्रॉप के क्या बेनिफिट्स है और क्या साइड इफेक्ट्स है, इस ड्रॉप से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनी का 15 ml का एयर ड्रॉप आपको 84 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। विकोरिल ड्रॉप में क्लोरफेनिरामिन मैलेट IP 100 mg, पैरासीटामॉल IP 125 mg, फिनिलिप्रिन IP 2.5 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद पैरासीटामॉल यह ड्रग वुन केमिकल मैसेंजर को रोकने का काम करता है जो बुखार और दर्द का कारण बनते हैं, और क्लोरफेनिरामिन मैलेट यह एंटी एलर्जिक ड्रग है, यह एलर्जिक सिम्टम को कम करने का काम करता है, और फिनिलिप्रिन यह श्वसन नलिका के सुखड़े हुए मार्ग को खोलता है जिससे श्वास लेने में आसानी होती है। बात करते हैं इस ड्रॉप के यूजेस की, डॉक्टर इसे किन किन समस्या में इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग साइनस, सर्दी जुकाम, बंद नाक, बुखार, सिरदर्द, दर्द, यह सभी समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर इस ड्रॉप का इस्तेमाल बच्चों के लिए करते हैं। बात करते हैं इस ड्रॉप के डोज के बारे में। आप अपनी समस्या और एज बताकर इसका डोज अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, इसका डोज आपके बच्चे के वजन पर निर्धारित रहता है, इसके वजह से इसे डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही इस्तेमाल करें। बात करते हैं इस ड्रॉप से होने वाले साइड इफेक्ट की। यदि आपके बच्चे को इस ड्रॉप में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो उसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि बताए गए साइड इफेक्ट महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस ड्रॉप से आपके बच्चों को अनिद्रा, मतली, उल्टी, अपचन, दस्त, कब्ज, थकान, सुस्ती आना यह साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बात करते हैं यह ड्रॉप यूज़ करने से पहले हमें क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए। यदि आपके बच्चों को इस ड्रॉप में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है या फिर कोई साइड इफेक्ट महसूस होता है तो इस ड्रॉप को इस्तेमाल ना करें। अगर आपके बच्चे को कोई और मेडिसिन चालू है तो इसके बारे में डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। यह ड्रॉप इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छे से हिलाएं, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।